अज देश 73वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। इस दे चलते ही पंजाब च भी गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम नाल मनाया गया। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कौमी झंडा फहराया। जलंधर विच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कौमी झंडा फहराया। इस तो बाद उन्होंने पुलिस वालों कढ़े गए मार्च पास्ट तो सलामी ली। यह प्रोग्राम गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम विखे करवाया गया। जिथे आज सारा पंजाब देश के महान आजादी के याद करता है, उसे मान लो मुख्यमंत्री साहब वास्ते भी ये अरदास करता है, ते इना रसा ने भी अरदास करता है कि उड़ान वालों उड़ानों पे हक बारी है, फरों की नहीं अब हौसलों की बारी है। कोरोना काल दिया हिदायतों के चलदिया गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम बहुत सादे ढंग नाल मनाया गया। प्रोग्राम विच कोई झाकी नहीं कढ़ी गई अते ना ही सभ्याचारक प्रोग्राम होया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन तो बाद वख-वख खेतरां विच शानदार सेवावां निभाउण वाले व्यक्तियों नूं सन्मानित भी किया। इंस्पेक्टर चोकमा जी, धवेंद्र सिंह जी, संदीप कुमार जी, लाइन तो बड़ी लंबी हुई है। ममता शायद माइक ऑन। बहाल है पंजाबियों, आज देश के 73वें गणतंत्र दिवस मौके मैं समूह पंजाबियों के देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज इस मुबारक मौके महबूब की आजादी ने लड़े गए बड़े लंबे संघर्ष विच अपने दादा बन वाले हजारा देशभक्त सूरवीर अपने जीव दिया गहराइया तो श्रद्धा से सत्कार भेंट करता हूँ। ये साल साढ़े लिए होर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार देश की आजादी की 75वीं वरेगंढ मनाई जा रही है। सारे समूह पंजाबियों को बेहद फखर है कि मुल्क की आजादी संग्राम में सब तो वध कुर्बानियां पंजाबी योद्धियां ने पाईया। मुल्क को आजाद करवाने के बाद इस सही मायने में गणराज बनाने लिए देश अपने संविधान की लोड़ सी। अनेक विविधताओं वाले देश में विशाल मुल्क का संविधान बनाना अपने आप में एक महान कार्य सी। इस कार्य सिरे चढ़ाने में सब तो बड़ा योगदान बाबा साहेब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर ने पाया। आज के दिन इस महान शख्सियत को
दिल दिया कह रहा है तो सरकार फिट कर दा। 2 साल 11 महीने 18 दिन भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। 26 नवंबर 1949 संविधान सभा के प्रधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का संविधान सौंपा गया। 26 जनवरी 1950 के इतिहासिक दिन साड़ा संविधान लागू होया। सो मैं अज पूरे देशवासियों एक बार फिर अज के इस शुभ मौके से बहुत बहुत बधाई देता। आजादी संग्राम के पंजाबी योद्धा ने सब तो वध कुर्बानियां दित्तियां। इस थोड़े जे समय में उन्होंने सारे योद्धा के नाम भी लए भी जा सकते जिन्होंने देश की कुर्बानी आजादी के लिए अपना बड़ा बड़ूदा योगदान पाया। गुरु के जन्म के खिलाफ बैठने की प्रेरणा गुरु साहबान वालों हर पंजाबी मूर्ति मिली। बाबा महाराज सिंह, बाबा राम सिंह जी, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव जी, लाला लाजपत राय जी, शहीद ऊधम सिंह जी, करतार सिंह सराभा जी, मदन लाल ढींगरा जी, दीवान सिंह काले पाणी अते होर अजे सैकड़ा महान योद्धा ने जी आजादी घुलाटिया ने आजाद भारत का इतिहास रचिया। इस आजादी का अज असी सारे दिख मान रहे हैं। इन्हों शहीदों का सुपना से कि आजाद भारत की गरीबी, अनपढ़ता, बेरोजगारी, ऊंच नीच, समाजिक, आर्थिक और कानून ना बराबरी वर्गिया रामता लिए कोई कारण नहीं होगी। आजादी हासिल करने लिए जो मुल्क का बंटवारा होया उसकी सब तो वह मार भी पंजाब उत्ते ही पई। इसके बावजूद पंजाब ने अपने बल उत्ते देश की तरक्की में बेमिसाल योगदान पाया। अच्छ सिर्फ देश में ही नहीं सगो विदेशों में भी पंजाबियों की महान मेहनत, लगन, समर्पित भावना और चढ़ती कला की मिसाल दी जाती। देश में भुखमारी को बचाने देश के विदेशी हमलों को रक्षा करने पंजाबी ही सब तो मोहरे रहे। अनाज भंडार में पंजाब का 60% तो वह योगदान पंजाब ने जमीन और पानी वर्गे कुदरती स्रोतों की वड्डी कुर्बानी दी। आजादी उपरांत साढ़े मुल्क में अपना संविधान लागू होने का यह अर्थ थी कि असी ना सिर्फ अंग्रेजा की गुलामी बल्कि उन्होंने तरीके राज करने विधि विधान तो पूर्ण तौर पर मुक्त पा रही है। इसे पूर्ण आजादी की प्राप्ति लिए ही देशवासियों ने एक लंबा लहू डोल संघर्ष किया। इस जदोजहद हजारों देशभक्तों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। दुआबे की धरती से पैदा हुए महान शहीदों, आजादी घुलाटियों और गदर लहर के योद्धा ने देश की आजादी लिए लामिसाल योगदान पाया, जिस लिए इन सारिया महान शहीदों मैं जलंधर की धरती तो सिजदा करता। देश की आजादी लिए लड़े गए घोर दौरान दुआबे के बहुते पिंडों में गदर और बब्बर लहर की वड्डी भूमिका रही, जिन्हों का योगदान हमेशा नौजवान बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अज के इस पवित्र दिहाड़े साडा सब का यह फर्ज बनता है कि असी अपने देश, समाज, कौम की माण मर्यादा लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने का प्रण करिए। मनोरथ की पूर्ति लिए हमेशा यादशील रहीए, जिस मनोरथ लिए साडे देश के आजादी घुलाटियां ने लंबा समा संघर्ष किया ते कुर्बानियां दित्तियां। मैं एक बार फिर आप सारिआं नूं 73वें गणतंत्र दिवस मौके से बहुत बहुत बधाई देना। इत्थों दे प्रशासन दा धन्नवादी जिन्हें लोग अज इत्थे आए उन्हां दा धन्नवादी हां ते परेड करन वाले ते होर सारे इस प्रोग्राम भाग लैण वाले ते पत्रकार साहिबान उन्हां दा धन्नवादी हां कि उन्होंने इस प्रोग्राम को अच्छा बनाने में योगदान पाया। इन्होंने शब्दों के नाल मैं एक बार फिर सारे पंजाबियों को आज के शुभ मौके पर लख लख बधाई देता हाँ।
जलंधर तो बाद रुख कर लेंदे हाँ तरन तारण का, जिथों की पुलिस लाइन ग्राउंड विच गणतंत्र दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री सुखबिंदर सिंह सुख वालों झंडा लहराया गया। इत्थे भी किसी तरह का प्रोग्राम विच कोई झाकी नहीं कढ़ी गई, ना ही सभ्याचारक प्रोग्राम मनाया गया। ਨਰੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SSP ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਕੌਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪਰੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर से मैं अज तरन तारण वासियों देश विदेश वसते सारे भारतीयों खास तौर पर पंजाबियों तह दिलों निघी वधाई और शुभकामनावां दिंदा हां। मैं साडियां हथियारबंद फौजां दे उन्हां बहादुर सूरवीरां नूं भी वधाई दिंदा हाँ जो साडे देश की अखंडता ते एकता की राखी कर रहे हैं। 26 जनवरी 1950 नूं भारतीय संविधान लागू हो जाण नाल गणराज की स्थापना हुई सी अते सानू दुनिया विच सब तो वड्डे लोकतंत्र होण दा माण हासिल होया। मैं अज दे दिन भारतीय संविधान के निर्माण विच योग देण वाले हर शख्स नूं भी सिजदा करदा हाँ। भारतीय संविधान की खासियत करके ही अज साडा देश जिहड़ा विश्व के सब तो वड्डे लोकतांत्रिक देश वजों उभर के सामने आया है। साडे महान देश का संविधान भी एक महान दस्तावेज है जिसने इस मुल्क के आवाम नूं बराबरी अते धर्म निरपक्षता के मौके दे के सब नूं अगे वधन के बराबर अवसर जिहड़े मुहैया करवाए ने। साडा संविधान आजादी के इन्ने साल बाद भी पूरी कामयाबी नाल सानू मार्गदर्शन दे रहा है। बेशक दुनिया के अनेक मुल्कां दे समय के नाल नाल लोकतंत्र ते संकट भी आए ने, पर साडे मुल्क का संविधान देश के लोगों दी उम्मीदां ते खरा उतरिया। देश दुनिया दीयां नवीयां ते ताज़ियां तरीन खबरां लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, लाइक करो ते बैल आइकन ते क्लिक जरूर करो।